यह पश्चाताप नामक काव्य संवेदनशील राम के हृदय का प्रस्फुटन है। बात उस समय की है कि जब राम रावण को जीतकर सीता को वापस लेकर अयोध्या में आकर सुख से रह रहे थे। उसी समय एक ऐसी घटना घटी कि एक धोबिन 10-5 दिन पर घर रहकर घर आई तो धोबी ने उसे अपने घर में रखने से इनकार कर दिया। तब धोबिन ने कहा कि सीता जी भी तो रावण के यहां 6 महीने रहकर आई थी और उन्हें राम ने रख लिया था, तुम मुझे कैसे नहीं रखोगे। इसके आधार पर धोबी ने उसे रख लिया तो समाज ने धोबी का बहिष्कार कर दिया। तब धोबी ने कहा कि जब राम ने सीता को रख लिया था तो धोबिन को रखने से आप मेरा बहिष्कार कैसे कर सकते हैं। जब यह घटना राम के कान तक पहुंची तो उन्हें इस बात की चिंता हुई कि कहीं इसके आधार पर जनता में किसी प्रकार की दुष्प्रवृत्ति न चल पड़े। अतः उन्होंने गर्भवती सीता जी को तीर्थ यात्रा के बहाने भयंकर जंगल में छुड़वा दिया। वहां पर किसी व्यक्ति ने उन्हें धर्म की बहन बनाया और उसके पास रहकर सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। जब लव और कुश युवक हो गए तो राम और लक्ष्मण से उनका युद्ध हुआ। जब ये पता चला कि लव कुश तो राम के ही बेटे हैं तो राम उन्हें ससम्मान घर में रखने के लिए तैयार हो गए, पर सीता जी को रखने से इनकार कर दिया। सबने बहुत समझाया, तब राम ने सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। राम के आदेशानुसार सीता ने अग्नि परीक्षा दी और उसमें पास भी हो गई। राम ने उन्हें घर में रहने के लिए बहुत मनाया, पर सीता ने घर में रहना स्वीकार नहीं किया और वे दीक्षा लेकर वापस वन में चली गईं। बात यहीं से आरंभ होती है। प्रथम धर अरहंतों का ध्यान और कर जिन वाणी गुणगान, सदा चरणों में नित अमलान किया जिन जिन ने जीवन दान। नमन कर उन गुरुओं को आज राम के मन की गहरी छाप, राम के अंतर का आताप, राम के मन का पश्चाताप। राम के मन का पश्चाताप, सती सीता का यह अनुताप। कहूँ कैसे किन शब्दों में प्रजा के मन का यह संताप। समाई सीता रग रग में, बस रहे रग रग में श्री राम। करूँ मैं वंदन अभिनंदन, रमो नित अपने आत्म राम। प्रजा से सुन लांछन की बात, किया यदि रामचंद्र ने न्याय। हुआ पर जनक सुता के साथ, महा अन्याय महा अन्याय। हो गई अग्नि परीक्षा, आज खड़ा था पूरा वध समाज। शील ने रखी सती की लाज, प्रेम से व्याकुल थे रघुराज। सोचते थे मन में रघुवीर, खड़े थे जैसे हो तस्वीर। मनीषा करती तर्क वितर्क, हो रहे थे वे बहुत अधीर। मुझे था भय कि मोह में आज प्रजा के साथ न हो अन्याय। इन्हीं संकल्प विकल्पों में हो गया यह कैसा अन्याय, हो गया यह कैसा अन्याय। राम के जमाने से अभी तक यह बात चली आ रही है कि कोई व्यक्ति यदि अपने नजदीकी व्यक्ति को सजा दे देता है तो दुनिया उसके गीत गाने लगती है। लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं
कि जिसको सजा दी गई है उसने अपराध किया भी था या नहीं। यही बात सीता के साथ घटित हुई। यद्यपि सीता ने अपराध नहीं किया था, तथापि उन्हें वनवास दे दिया गया। यहां यह पंक्ति ध्यान देने लायक है कि स्वजन को दे देने से दंड नहीं हो जाता कोई महान, अपने नजदीकी व्यक्ति को दंड देने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता। महान बनने के लिए अपराधी को दंड देना चाहिए, निरपराधी को नहीं। न्याय करना न आवे जिसे, न्याय प्रिय कहता उसे जहान। स्वजन को दे देने से दंड नहीं हो जाता कोई महान। किसी को कैसे दे वह दंड, सत्य की नहीं परख है जिसे। बिठा कैसे देते हैं लोग न्याय के सिंहासन पर उसे। दिया है निर अपराध को दंड, न्याय प्रिय मुझको मत कहना। न्याय है यह अथवा अन्याय, न्याय है मुझे आज सपना। प्रजा जन में कैसा अज्ञान भरा है हे मेरे भगवान। चुने चाहे जिसको नेता, नहीं जो उचित दंड देता। किंतु है यह कसूर किसका, हमारा अथवा जनगण का। उन्होंने अपराधी को चुना, किंतु मैं क्यों कहने से बना। हमारा ही है इसमें दोष, हुआ जो जाने अनजाने। प्रजाजन कैसे पहचाने, नहीं हम अपने को जाने। जा रही वैदेही वन में, राम उद्विग्न हुए मन में। करे क्या समझ नहीं आवे, राम सोचे मन ही मन में। उदर में था लब कुश जोड़ा, तभी निर्जन वन में छोड़ा। प्रथम मैंने नाता तोड़ा, आज उसने मुखड़ा मोड़ा। नहीं मैं जाने ना दूंगा, आज मैं उसको रोकूंगा। सगद गद बोले राम नरेश, रुंधा था कंठ गिराने शेष। न मैंने तुमको पहचाना, मुझे शोकानल ने घेरा। सुनो अपराधी हूँ सीते, करो अपराध क्षमा मेरा। करो अपराध क्षमा मेरा, करो अपराध क्षमा मेरा। जब राम इस तरह क्षमा मांगने लगे तो सीता ने कहा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मैंने पिछले भवों में कोई भयंकर अपराध किया होगा, उसके फल में मुझे यह दंड मिला है। वस्तुतः बात तो यह है कि सारे संयोग निश्चित हैं। इस तरह सीता ने क्रमबद्ध पर्याय की बात भी कही और कर्म के उदय की बात भी कही, उपादान की बात भी कही और निमित्त की बात भी कही। तत्वज्ञानी सीता से इससे ज्यादा और क्या अपेक्षा की जा सकती थी। किंतु सीता के साथ जो व्यवहार हुआ था, उन्होंने जो दुख भोगे थे, उनके अंतर में उनकी टीस विद्यमान थी जो व्यक्त हो ही गई। कहा इतना ही सीता ने, नहीं अपराध तुम्हारा है। कर्म फल पूर्व का जानो, कर्म बल सबसे न्यारा है। विगत भव में जो बांधे कर्म, वही फल देते इस भव में। किया होगा कोई अपराध भयंकर मैंने गत भव में, उसी के फल में यह संयोग।
इसमें कोई न दोष, अधिक क्या कहूँ, हुआ सो हुआ। अरे जाने दो बीती बात, परंतु अब ऐसा कुछ करे न होवे फिर ऐसा आघात। आप ना करी विकल्प विशेष, सभी कुछ निश्चित है संयोग। बात बस इतनी है हे नाथ, मिला देते सत का संयोग, मिला देते सत का संयोग। इसके बाद सीता जी कहती हैं, धोखे से जंगल में छुड़वा देना, क्या एक यही रास्ता था? कोई अन्य निरापद उपाय नहीं हो सकता था? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मुझे आर्याओं के आश्रम में भेज देते, संतों के समागम में भेज देते, तीर्थों पर भेज देते, जहां मैं निरापद धर्म ध्यान करती रहती, मुझे इतने दुख नहीं भोगने पड़ते? इस बारे में थोड़ा तो सोचना चाहिए था। यद्यपि सीता तत्वज्ञानी थी, तथापि हृदय के भाव मुख पर आ ही गए। उन्होंने एक बात और कही कि जो अग्नि परीक्षा आज ली गई, वह अग्नि परीक्षा उस दिन भी ली जा सकती थी जब आपने मुझे जंगल में एकाकी छोड़ने का निर्णय लिया था। भेज देते आर्याश्रम में, यही था क्या उपाय, बस एक धर्म पालन होता रहता। जरा तुम सोचो कुछ स्वयं, यदि था मन में कुछ संदेह, जला कर अग्नि शिखा की आँच और दे कर कठोर आदेश, प्रभु तत्क्षण कर लेते जांच। सत्य की होती है जब जांच, नहीं आती है उसको आँच। जांच का अवसर भी न दिया, किया क्यों यह असीम अन्याय। हुआ जो आज उसी दिन क्यों, नहीं हो सकता था हे नाथ। न होती मैं अनाथ इस तरह, किंतु कुछ भी ना सोचा नाथ, किंतु कुछ भी ना सोचा नाथ, किंतु कुछ भी ना सोचा नाथ। इस तरह अपनी पीड़ा व्यक्त करने के बाद सीता जी कहती है, मुझे छोड़ा तो छोड़ा, मुझे छोड़ने से आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हुई होगी, पर यदि दुनिया के कहने से धर्म को छोड़ दोगे तो अनंत भवों में अनंत दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए हे नाथ, दूसरों के कहने पर किसी को छोड़ देने की आदत अच्छी नहीं है। अरे निंदा सुनकर मेरे नाथ, त्यागा तुमने मुझको, धर्म की सुनकर निंदा कभी, त्याग मत देना तुम उसको। त्यागने से मुझको हे नाथ हुआ होगा थोड़ा ताप, त्याग देने से आत्म धर्म मिलेगा भव भव में संताप। हुआ सो हुआ किंतु अब तो, जगत की वणिक वृत्ति लख कर, नहीं रहना है इसमें मुझे। धरूंगी जिन दीक्षा हित कर, धरूंगी जिन दीक्षा हित कर, धरूंगी जिन दीक्षा हित कर। सा कह जनक सुता चल दी माँ, माँ कह लव कुश चिल्लाए, वे रुंधे गले से बोले हे माँ, हमें छोड़ कर क्यों जाए। हमने क्या किया दोष जननी, जो हमें छोड़ कर तुम जाती। हम रहे सदा ही आज्ञा में, क्यों कर हमको तुम बिसराती।
सौमित्र भरत भी आ पहुँचे, शत्रुघ्न खड़े थे सिर नाए। लौटो लौटो हे जग जननी, क्यों हम पर नहीं दयाए। यह सुनकर सीता देवी मृदु स्वर में धीरे से बोली, नाते रिश्ते सब झूठे हैं, इनमें उलझी दुनिया भोली। ना तू का ताप न तपना है, नाते ना मुझको अब भाए। नाते ही जग के बंधन है, ये सभी जगत को भरमाए। जन को निहार जग मरता है, फिर बार बार देखा करता। मुझको निहार लंकेश मरा, तप धारेगी अब जनक सुता। यह कहकर फेरी नेत्र किरण, मानो सूरज की किरण मुड़ी। निर्जन जंगल की ओर बढ़ी थी, देख रही सब मही खड़ी थी, देख रही सब मही खड़ी थी, देख रही सब मही खड़ी। जैन मान्यता अनुसार सीता जी ने पृथ्वीमती नामक आरिका से व्रत स्वीकार किए थे, और वैदिक संस्कृति में माना जाता है कि सीता जी पृथ्वी में समा गई थी। यहाँ पर कल्पना की गई है कि पृथ्वीमती आरिका के पास उन्होंने दीक्षा ली और वे उनमें ही उनके आश्रम में ही समा गई। इसी वजह से दुनिया कहने लगी सीता जी पृथ्वी में समा गई। पृथ्वी मती आर्या के समक्ष सीता ने व्रत स्वीकार किए। बस एक श्वेत साड़ी रख कर सब वस्त्राभूषण त्याग दिए। पृथ्वी मत के अनुगामन हो, मानो पृथ्वी में समा गई। बस इसीलिए जग कहता है सीता पृथ्वी में समा गई। देहांत समय तो सबका तन मिट्टी में ही मिल जाता है, सीता देवी का कोमल तन भी मिट्टी में मिल जाता है। है अरे नयापन इसमें क्या, मिट्टी मिट्टी में समा गई। सीता माता का शुद्धातम तो शुद्धातम में समा गया। जन जन की आंखें भर आई, पर रोम रोम हो गए खड़े। सीतेश प्रभु की आंखों से टप टप दो आंसू टपक पड़े। वे आंसू थे या मुक्तमणि, या राम हृदय परिचायक थे, या प्रेम लता सिंचक जल थे, घनश्याम राम के द्रावक थे। या सीता प्रेम विसर्जन था, या श्रद्धांजलि का अर्पण था। दो मोती राम के मानस के, सीता को आज समर्पण था। अब थे विचार ते राम, अहो क्या जीवन जनता का मन है। जनता को चाहे खुश करना, तो न्याय नहीं करता जन है, तो न्याय नहीं करता जन है, तो न्याय नहीं करता जन है। इस तरह राम ने अश्रुपूरित आंखों और रुंधे कंठ से सीता को विदाई दी। सीता के चले जाने के बाद राम गंभीरता से विचार करने लगे। वे सोचते हैं कि रावण ने उनका अपहरण किया, इसमें उनकी क्या गलती थी। यदि वे रावण के घर रहीं और हम उन्हें 6 महीने तक नहीं छुड़ा पाए, तो इसमें सीता की क्या गलती थी। उन्हें छुड़ाकर हम घर ले आए, उन्हें अपने घर में रखा, इसमें सीता की क्या गलती थी। गलतियां हमारी थी और दंड उन्हें भोगना पड़ा।
वन में उसका अपहरण हुआ, इसमें उसका अपराध न था। वह लंका में 6 मास रही, पर मन तो उसका साथ न था। जंगल में उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व हमारा था। इसमें उसका था क्या कसूर, उसने तो हमें पुकारा था। पर हमने इसके बदले में उसको निर्जन वनवास दिया। क्या यही न्याय है रामचंद्र, हमने इसमें क्या न्याय किया। जननायक तो उसको कहिए, जो न्याय तुला पर तोल सके। जनता के मन को ना देखे, बस न्याय नेत्र ही खोल सके। जो न्याय नहीं कर सकता, वह कैसा अधिकारी शासन का। परित्यक्ता भी फटकार सके, वह राजा नहीं प्रजाजन का। यदि न्याय पक्ष अपना सच हो, चाहे जनगण विद्रोह करे, चाहे सुमेरु भी हिल जाए, पर नहीं न्याय से वीर फिरे। लोकापवाद से डर करके है सत्य छिपाना कायरता। किसकी जग निंदा नहीं करे, निंदा से डरना पामरता। बहुमत का कहना सच्चा है, बहुमत कह दे के पाप करो। क्या पाप न्याय कहलाएगा, तो दीन हीन असहाय मरो। सीता सतीत्व में शंका थी, तो क्यों उसको मैं घर लाया। सीता यदि परम पुनीता थी, तो क्यों जनमत से घबराया। जनता क्या जाने सीता को, शायद उसको विश्वास न हो। मुझको था जब पूरा यकीन, क्यों मुझको अब संताप न हो। सीता सतीत्व का जनता को विश्वास दिलाना था मुझको। जो अग्नि परीक्षा आज हुई, स्वीकृत होती उस दिन उसको। स्वीकृत होती उस दिन उसको। स्वीकृत होती उस दिन उसको। जब किसी न्यायालय में कोई केस चलता है और कोई कानून उसका समाधान नहीं दे पाता है, तब वैसे ही केसों में पहले किसी बड़े न्यायालय ने कोई फैसला दिया हो, तो उस फैसले को नजीर के रूप में पेश किया जाता है। धोबिन के हृदय में सीता से कोई द्वेष नहीं था। उसने सीता पर कोई आरोप नहीं लगाया था। वह तो स्वयं संकट में थी, उसका तो घर उजड़ रहा था। वह तो घर में रहना चाहती थी, धोबी का भी घर उजड़ रहा था। उन्होंने जो कुछ किया, वह सब अपने बचाव के लिए ही किया। सीता या राम के विरोध में कुछ नहीं किया। इसलिए रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरे हृदय में उनके लिए कोई रोष नहीं है। बात यह है कि सीता रावण के घर में रही थी, और उसे अपने घर में रखना यदि अपराध है, तो वह अपराध मैंने किया, क्योंकि मैंने ही उसे लाकर घर में रखा था। वह जबरदस्ती नहीं आई थी, उसका दंड मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन हमने दंड जानकी को दिया। कोई महिला किसी दूसरे के घर में अपनी मर्जी से महीनों रहकर आई है, या उसका अपहरण हो गया है और उसे जबरदस्ती रखा गया है, ये दो घटनाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। सीता को जबरदस्ती रावण के यहां ले जाया गया था, इसलिए धोबिन के उदाहरण को भी जबरदस्ती ले जाई गई धोबिन मानना पड़ेगा, तभी तो उसकी सीता के साथ तुलना होगी। यदि हम ये माने कि धोबिन तो अपनी मर्जी से गई थी, तो सीता के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती,
क्योंकि दोनों घटनाएं समान नहीं हैं। इतनी सी बात इतने बड़े न्यायाधीश नहीं समझ पाए, यह कल्पना से बाहर की बात है। और यदि दोनों ही जबरदस्ती ले जाई गई थी तो क्या जबरदस्ती ले जाई जाने वाली महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए? इस बात पर वे गंभीरता से विचार कर रहे हैं और अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। देना नजीर न्यायालय में, तो है कोई अपराध नहीं। अपने बचाव में कुछ कहना क्या जन जन का अधिकार नहीं। आदर्श राम थे पतियों के, उनकी नजीर दी पतियों ने। आदर्श जान की सतियों के, उनकी नजीर दी सतियों ने। इस जग में अपनी रक्षा में सारी दुनिया देती नजीर। धोबिन ने अपनी रक्षा में सीता की दी थी बस नजीर। आरोप जान की देवी पर उसने तो नहीं लगाया था। उसने तो घर में रहने का अपना अधिकार जताया था। हम धोबिन को बदनाम करें, इसमें उसका कुछ दोष नहीं। उस पर भी था संकट भारी, सीता पर कोई रोष नहीं। सारा अपराध हमारा है, धोबी धोबिन का दोष नहीं। कह रहे राम मेरे मन में, धोबी धोबिन पर रोष नहीं। रावण के घर में रही हुई सीता देवी को वर्षों तक रखा था सादर मान सहित, हमने ही तो अपने घर में। घर में रखना अपराध यदि, तो यह अपराध हमारा है। पर दंड जान की को देना, कैसा यह न्याय हमारा है? कैसा यह न्याय हमारा है? कैसा यह न्याय हमारा है? अब रामचंद्र जी और गहराई से सोचने लगे हैं कि हमने जो कुछ किया है उसका जगत पर क्या असर पड़ेगा। क्या हमने जगत को यह संदेश नहीं दिया है कि जो भी सीता जैसी नारी हो उसे जंगल में छुड़वा देना चाहिए, और जब तक वह अग्नि परीक्षा न दे, अग्नि में अपने को न झोंक दे, तब तक उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। वे कहते हैं कि मैं चूक गया, मैंने सीता जी के साथ अन्याय किया है। मैंने उन्हें ज्वाला में भी झोंका और जंगल में भी छोड़ा, जबकि धोबी ने ऐसी गलती नहीं की। न तो उसने धोबिन को ज्वाला में झोंका और न ही उसे जंगल में भेजा। तो हमने नहीं दिया है क्या ऐसा संदेश जगत जन को, छुड़वा दे जन निर्जन वन में काकी ऐसी नारी को। छुड़वा कर सीता देवी को, जंगल में हमने धोबी को। मानो चैलेंज किया अब तुम, जंगल में छोड़ो धोबिन को। हमने झोंका निर्दय होकर सीता देवी को ज्वाला में, अब तुम भी क्यों हो उदासीन, धोबिन को झोंको ज्वाला में। पर अग्नि परीक्षा बिन घर में रख कर धोबी ने न्याय किया। पर मैंने सीता को तज कर अन्याय किया, अन्याय किया। अब क्यों मुझको संताप न हो,
केवल मैं ही अपराधी हूँ, हे शोकानल तू जला मुझे, मैं इसी सजा का भागी हूँ। हे विधि मैंने अन्याय किया, पर तू अन्याय नहीं करता। विकराल अग्नि की ज्वाला को सज्जित सरवर क्यों नहीं करता। मेरे अपराध दंड में भी तू अरे देर क्यों करता है। तू खूब जला शोकानल मेरे बंधु, दया क्यों करता है। मैं शोकानल में जल जल कर निष्कीट सुवर्ण खरा होऊंगा। जितना जल सकूं जलूं है विधि, पर जन भय पूर्ण जला दूंगा। सीता अब तक परित्यक्ता थी, पर हुआ आज मैं परित्यक्त। सुन लो हे जन जन, कान खोल, मैं करता हूँ स्पष्ट व्यक्त। अब तक तो समझा था मैंने, नारी ही होती परित्यक्त। अन्याय देख कर पतिवर का हो जाती वह नर से विरक्त। नारी का यह वैराग्य प्रेम कर देता नर का बहिष्कार। जिसको जग कहता है अबला सबला, हो जाती शीलधार। नर जीता हरदम नारी से, रखता है उस पर स्वाधिकार। कर्तव्य मुखी नारी पाकर, कर्तव्य विमुख नर गया हार। कर्तव्य विमुख नर गया हार। कर्तव्य विमुख नर गया हार। इस प्रकार अपनी हार स्वीकार करने के बाद रामचंद्र जी कुछ पिछली बातें याद करते हैं और सोचते हैं कि देखो परिस्थितियां कितनी बदल गई हैं। एक दिन वह था जब मैं सीता को समझाता था, और आज यह दिन आ गया है कि सीता मुझे समझाती हैं। जब सीता को मैं समझाता उस दिन की याद मुझे आती, पर आज देखता हूँ उल्टा है, सीता मुझको समझाती। नर नारी से पैदा होता, उससे पाता है नेह मान। पर अहंकार से भरा स्वयं जग जननी का करता अपमान। नारी क्या क्या ना कर सकती, करता हो जिसका नर महान। दोनों होए जब कर्म वीर, तब जग होता आदर्शवान। नारी कोमल को कोमल है, पर निष्ठुर को निष्ठुर महान। नर के अनुरूप रही नारी, जाना मैंने नारी विधान। राजा की नारी रानी है तू, महाराजा की महारानी। नट की नारी को नटी कहे, मिश्रा की नारी मिश्रानी। दर्जी की नारी दर्जन है, तो सेठ की नारी सेठानी। ठाकुर की नारी ठकुराइन, मैतर की नारी मित्रानी। मुझसे निर्मोही की रानी होवेगी निश्चय निर्मोही। सीता का है अपराध नहीं, नर होता जो नारी सोही। नर होता जो नारी सोही। नर होता जो नारी सोही। अब रामचंद्र जी सोचते हैं कि पहले मैंने उसे छोड़ा था, अब वह मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन दोनों के छोड़ने में कितना अंतर है। मैंने तो उसको असहाय अकेली जंगल में छोड़ा, और वह मुझे भाई बंधुओं के बीच में छोड़कर जा रही है।
अरे नारियां कितनी महान होती हैं कि अच्छी अच्छी संतानों को पैदा करके जिन्होंने उन्हें बहुत तकलीफ दी है उनको ही सौंप कर चली जाती हैं। सीता ने लव कुश जैसे बेटे पैदा किए और मुझे देकर चली गई। छोड़ा था सीता को मैंने असहाय अकेली कानन में, मुझको सबंधु वह छोड़ चली, क्या मृदुता है नारी जन में। नारी कितनी है त्यागशील, नर रत्नों को पैदा करके, जो उसको देवे त्रास महा चल देती उसको दे करके। सीता ने लव कुश महावीर निर्भीक सुंदर सुत जाए, जिनको देखो रण प्रांगण में ना लक्ष्मण राम जीत पाए। ऐसे इन लव कुश बेटों को अपराधी को अर्पित करके, शोकार्त पति को त्याग सती बन गई वीर अबला बन के। कई भगवान का अपवाद करें पर उनको त्याग न देंगे हम, यदि निंदक साधु को निंदे तो क्या असाधु कह देंगे हम। सज्जन सज्जन ही रहे किंतु हम ही दुर्जन कहलाएंगे, कुआ को से यदि शतक बार तो नहीं पशु मर जाएंगे। रामचंद्र जी बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार करते हैं कि यदि सारी दुनिया मेरा अपवाद करती तो क्या जानकी मुझे छोड़कर जंगल में चली जाती अथवा मुझे वनवास दे देती। यदि वे ऐसा नहीं करती तो मैंने जो किया क्या वह समझदारी का काम है? इस जगत में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी कोई आलोचना न करता हो? ऐसा कौन दर्शन है, धर्म है, जिसके आलोचक इस दुनिया में न हो? आलोचना सुनकर क्या हम सभी दर्शनों को छोड़ देंगे, सभी महापुरुषों को छोड़ देंगे और प्रशंसा सुनकर चाहे जिसको अपना लेंगे? मेरा अपवाद जगत करता क्या छोड़ जानकी देती चल, यदि नहीं कहो फिर तुम ही राम, क्या नहीं मूर्खता यह केवल। जिसका आलोचक कोई न हो ऐसा दर्शन या महापुरुष, इस जगती तल में दुर्लभ है जो सर्वमान्य हो महापुरुष। तो क्या हम सभी दर्शनों को निंदा के कारण तज देंगे, तथा प्रशंसा के कारण चाहे जो कुछ अपना लेंगे? निंदा करने से मात्र नहीं मैं कभी धर्म को छोड़ूंगा, जग कर दे चाहे बहिष्कार भगवान से मुख ना मोड़ूंगा। लोकापवाद के कारण ही सीता को मैंने क्यों छोड़ा, पाखंड नहीं क्या यह मेरा, लोकापवाद का ले रोड़ा, लोकापवाद का ले रोड़ा, लोकापवाद का ले रोड़ा। जिस तरह की स्थिति से रामचंद्र जी गुजर रहे थे उस स्थिति में रस परिपाक की दृष्टि से तीन स्थितियां होती हैं, पहले संलाप, फिर विलाप और उसके बाद प्रलाप। जब सीता और राम की चर्चा हो रही थी वह संलाप था, जब सीता चली गई और राम अंदर में दुखी हो रहे थे, विलाप कर रहे थे, वह विलाप की स्थिति थी। और जब विलाप की स्थिति में व्यक्ति उस अवस्था में पहुंच जाता है
उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो वह प्रलाप करने लगता है। अब रामचंद्र जी प्रलाप की स्थिति में आते जा रहे हैं। वे कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुम क्यों चुप हो? तुम तो अन्यायी राजाओं का मद मर्दन करने वाले। मैं अन्यायी सिद्ध हो गया हूं, तुम मेरे विरुद्ध खड़े क्यों नहीं होते? अपने बेटों से वे कहते हैं, हे लव और कुश, लक्ष्मण तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, वे तो चुप्पी साध कर बैठे हैं। पर तुम आज से मुझे पिता मत कहना, क्योंकि तुम जैसे वीरों का पिता होने लायक मैं नहीं हूं। चुप क्यों हो आज सुनो लक्ष्मण, धिक्कारो मुझको बार बार। अन्यायी भूपति को पाकर करते क्यों ना तुम असी प्रहार। तुम तो अन्यायी नृपगण का मद मर्दन करने वाले हो, पर आज हो गया क्या तुमको जो चुप्पी साधे बैठे हो? मैं नहीं तुम्हारा भाई हूँ, मैं हूँ अब अन्यायी नायक। अन्यायी के अपराध दंड के हेतु चलाओ तुम शायक। पर आज दया क्यों करते हो तुम, समझ मुझे अग्रज भ्राता। यह पक्षपात क्या नहीं अनुज, अन्यायी से तोड़ो नाता। मेरे बेटे सीता सपूत, सुन लो तुम मेरी एक बात। लक्ष्मण तो कायर हुए किंतु मुझको मत कहना कभी तात। मैं अन्यायी क्या कहलाऊं, ऐसे वीरों का पिता आज। लव कुश लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत, नहीं दिखे न मुझको रुचे राज। सब सूना सूना लगता है, प्रासाद खंडहर से लगते। अमृत भी विष सा लगे आज, सब भोग व्याल सम है डसते। सीते तुमसे ही पूछ रहा, निर्दय कहूँ अथवा सदय। माना मेरा ही है कसूर, क्या क्षम्य नहीं अपराध प्रिय? नहीं नहीं मैं भूल गया सीता, निर्दय होकर तुमको त्यागा। न्यायोचित दंड नहीं भोगू तो फिर अन्याय महा होगा। छू कर तुमको अपवित्र करूं, यह होगा मेरा पागलपन। तुम अग्नि शिखाओं में तप कर पा चुकी चिरंतन उजलापन। जाओ जाओ सीते जाओ, मैं आज तुम्हें ना रोकूंगा। अपनी करनी का पुरस्कार पाकर मैं उसको भोगूंगा, पाकर मैं उसको भोगूंगा, पाकर मैं उसको भोगूंगा। प्रलाप करते करते उन्हें अपने पिछले वनवास की याद आती है और वे सोचने लगते हैं कि माता कैकेयी की क्या गलती थी। कैकेयी ने अपने बेटे का भला चाहा था, उसके लिए राज चाहा था। हर माँ अपने बेटे की भलाई चाहती है, ऐसी कौन माँ होगी जो यह ना चाहे कि उसका बेटा ऊंचे से ऊंचे पद को पाए। तदर्थ जो भी प्रयत्न उसे करना पड़े वह करती है। कैकेयी ने तो हम जैसे धीर वीर राजकुमारों को वन भेजा था, उनकी तुलना में मैंने असहाय अकेली नारी को, गर्भवती नारी को एकाकी जंगल में छुड़वा दिया। कैकेयी ने वनवास
दास दिया था धीर वीर नर को पाकर, उसको दुष्टा निर्दया कहे जो नर रत्नों की रत्ना कर। जिसने वैरागी भरत राज से वीर सुसुंदर सुत जाए, पर पुत्र प्रेम में अंधी होकर विगत धरोहर भर पाए। मैंने अबला अनुगामिन को एकाकी जंगल में छोड़ा, कर्कश शब्दों का है अभाव, जो कुछ कह दो मुझको थोड़ा, जो कुछ कह दो मुझको थोड़ा, जो कुछ कह दो मुझको थोड़ा। अब वे सोचते हैं कि जब मैंने शीलवती सीता जी की अग्नि परीक्षा ली तो मुझे भी अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। इस तरह वे स्वयं अग्नि परीक्षा देने को तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि सीता जी का कुंड तो जमीन में था, मेरा कुंड मन मंदिर में होगा। सीता जी के उस कुंड में सूखा काष्ठ भरा था और मेरे इस कुंड में मेरा शरीर ही जलने को तैयार होगा। सीता के कुंड में तो अग्नि लगाई गई थी और उनका तो अग्नि का जल हो गया था। मैंने भी मन में शोकाग्नि लगाई है और आंखों से आंसू की बूंदें बरस गई हैं। इस तरह सीता जी ने जिस प्रकार अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता दिखाई थी, उसी प्रकार मैंने भी दिखा दी। वे आगे कहते हैं कि हे सीता, मैंने तेरी पवित्रता का प्रमाण पाया था तो तुझे अपनाना चाहा था, अब तुमने मेरी पवित्रता का प्रमाण प्राप्त कर लिया है तो मुझे क्यों नहीं अपनाती हो। इस तरह वे प्रलाप कर रहे हैं। जब शीलवती सीता देवी की अग्नि परीक्षा मैंने ली, तो अब मुझको भी देना है, भारतवासी जन सुन लो जी। सीता का कुंड मही में था, मेरा होगा मन मंदिर में। उसमें था सूखा काष्ठ भरा, मेरा तन ही होगा इसमें। उसमें अग्नि सुलगाई थी, मैंने शोकानल लगा दिया, जब कूदी कुंड में सीता जी, अग्नि ने भी जल बहा दिया। अग्नि को अमल सलिल करके उसने पवित्रता दिखला दी। मैंने शोकाग्नि लगा मन में, आंसू की बूंदें ढुलका दी। तेरी पवित्रता का सीता मैंने प्रमाण जब पाया था, अपराध समझ करके अपना तुमको अपनाना चाहा था। मेरी पवित्रता पा करके क्यों ना अपराध भुलाती हो, कह दो सीते तुम साफ साफ, मुझको अब क्यों भरमाती हो, मुझको अब क्यों भरमाती हो, मुझको अब क्यों भरमाती हो। इस प्रकार प्रलाप की स्थिति में पहुंचे हुए राम एकदम कहने लगते हैं कि हे राम, तू कैसी बातें कर रहा है? अरे, सीता की अग्नि परीक्षा से एकमात्र यह ही सिद्ध नहीं हुआ कि सीता पवित्र है, बल्कि मैं अन्यायी हूं, यह भी सिद्ध हो गया है। जिस आदमी का अन्याय प्रमाणित हो गया हो, उस आदमी के हृदय में पवित्रता कैसे हो सकती है? इसलिए पवित्रता की बातें करने से क्या लाभ है? यह गूंज उनके हृदय में बार बार गूंजने लगी कि अन्याय प्रमाणित हो जिसका, कैसी पवित्रता उस जन में। चारों ओर से उन्हें आवाजें आने लगी, कोई बोल नहीं रहा था, फिर भी जमीन में से
जहां देखो वहां से अग्निकुंड की ज्वालाओं में से यही आवाज आ रही थी कि अन्याय प्रमाणित हो जिसका, कैसी पवित्रता उस जन में। हे राम राम तू बता राम, क्या सोच रहा है तू मन में। अन्याय प्रमाणित हो जिसका, कैसी पवित्रता उस जन में। श्री राम चंद्र दया स्थल में यह गूंज उठे प्रति छिन छिन में। अन्याय प्रमाणित हो जिसका, कैसी पवित्रता उस जन में। दिग दिगंत में गूंज उठे अर गूंज उठे सारे नभ में। अन्याय प्रमाणित हो जिसका, कैसी पवित्रता उस जन में। रे अग्नि कुंड के ज्वालाओं के स्वर में थी आवाज यही, कह रही पग तले पड़ी हुई जगधात्री यह पार्थिव्य मही। जिस तरफ नेत्र उनके जावे वे यही देख बस पाते हैं। अन्यायी राजा को पाकर निर्दोष सताए जाते हैं। लिखने वाला है नहीं कोई, अक्षर भी नहीं दिखते थे, पर बाँच रहे थे रामचंद्र। कहते बस सीते सीते थे। अंत में वे कहते हैं कि फैसला तो हो ही गया है कि सीता निर्दोष है और मैं दोषी हूं। अब तो बात दंड विधान की है, इसलिए वे कहते हैं कि हे जनता के लोगों, आज तक तुम मुझे आगे और सीता को पीछे याद करते रहे हो। लोक में भी ऐसा ही होता है कि पति आगे चलता है और पत्नी पीछे पीछे। जब शादी होती है तो शादी के 6 फेरों में पत्नी आगे होती है और पति पीछे, और 7वें फेरे में पति आगे होता है और पत्नी पीछे। ऐसा लगता है कि जैसे पत्नी की जीत हो गई हो, क्योंकि वह 6 फेरों में आगे रही। लेकिन भाई, उसका अर्थ यह है कि 6 फेरों तक आदमी औरत के पीछे चक्कर काटता है, और 6वें के बाद औरत आदमी के पीछे चक्कर काटने लगती है। यह मात्र एक फेरे की बात नहीं है, बल्कि अब सारे जीवन भर पत्नी को पति के पीछे जाना है। राम कहते हैं कि अब मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि जब आपस में मिलो तो बोलना सीता राम, सीता को पहले याद रखना और मुझे बाद में। इस तरह वे जनता को यह आदेश देते हैं कि भाई, मेरे लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि सीता अनुगामी हुए राम। सीता निर्दोषी सिद्ध हुई, मैं ही हूँ दोषी सिद्ध आज। पहले सीता परित्यक्त हुई, परित्यक्त हुआ फिर रघुराज। अब तक मैं आगे रहा और सीता अनुगामी रही सदा। सीता आगे अब हुई राम, उसके पीछे है सुनो प्रजा। कहना भारत माँ के सपूत, जब मिलो परस्पर सीता राम। जिससे तुमको नित याद रहे, सीता अनुगामी हुए राम। साकेत प्रजा के गूंजे स्वर, सीता सी नहीं और अन्या। हे जगत पूज्य सीता धन्या, सीता धन्या, सीता धन्या। सीता देवी सी शीलवती, धरती पर कोई नहीं अन्या।
सीता धन्या सीता धन्या सीता धन्या सीता धन्या। ना रामचंद्र सा राजा भी अब तक जगती में हुआ अन्य। जय रामचंद्र से राजा के शतबार धन्य शतबार धन्य शतबार धन्य शतबार धन्य शतबार धन्य शतबार धन्य। यद्यपि राम ने स्पष्ट आदेश दे दिया था कि आपस में मिलो तो सीताराम बोलना, फिर भी जब लोग आपस में मिलते हैं तो राम राम ही बोलते हैं, क्योंकि जनता के हृदय में राम बहुत गहराई से बसे हुए हैं। यद्यपि राम की इतनी निष्ठुरता सामने आ गई, फिर भी जनता उनसे विरक्त नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? इसका एकमात्र कारण यह है कि भारतवासी लोग दूसरों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं, अवगुणों को नहीं। इसलिए रामचंद्र जी के गुण ही उन्हें दिखाई दिए, अवगुणों की तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं गई। इस पृथ्वी तल की जनता के है रोम रोम में रमे राम, रग रग में समाहित है सीता, पर कहते हैं सब राम राम। घटनाएं बासी हो जाती पर कथा नहीं होती बासी, इस दुविधा से कब उबरेंगे कर्तव्यनिष्ठ भारतवासी। भारतवासी गुणग्राही हैं वे अब गुणवंदी की करते, है यही वजह कि वे हरदम सबके सद्गुण ही अपनाते, सबके सद्गुण ही अपनाते, सबके सद्गुण ही अपनाते। इस तरह इस काव्य में राम के निष्ठुर हृदय को नहीं बल्कि संवेदनशील हृदय को प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि राम भी जैन दर्शन में भगवान महावीर के समान अरहंत बने और मोक्ष गए हैं, इसलिए वे 24 तीर्थंकरों के समान ही पूज्य हैं। लेकिन जैन दर्शन की विशेषता यह है कि वह किसी को राज्यावस्था में भगवान स्वीकार नहीं करता, अरहंतावस्था को प्राप्त होने पर ही भगवान मानता है। इसलिए कवि ने यहाँ लिखा है कि हम अरहंत राम के भक्त हैं, बालक राम के नहीं, राजा राम के भी नहीं। ये गलतियाँ राजा राम से हुई होंगी, अरहंत राम से कोई गलती नहीं हुई है। वे हमारे लिए अरहंत भगवान महावीर के समान ही परम पूज्य हैं। यद्यपि राम हमारे लिए भगवान महावीर के समान पूज्य हैं, फिर भी जैन दर्शन में आराधना तो अपने आत्मा की ही की जाती है, महावीर की भी नहीं, राम की भी नहीं। इसलिए कवि कहता है कि हम पुजारी तो राम के हैं, फिर भी आराधना तो अपने आत्मा राम की ही करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम निरंतर अपने आत्मा में ही लीन रहें। इस प्रकार अंत में अपने आत्मा में लीन रहने की भावना के साथ यह काव्य समाप्त होता है। अरिहंत राम के परम भक्त हम आत्म राम के आराधक, जिन वाणी सीता के सपूत भगवान आत्मा के साधक। भगवान आत्मा के साधक, ध्रुव धाम आत्मा के साधक, निज आत्म में ही रहे लीन है यही भावना भवनाशक, है यही भावना भवनाशक, है यही भावना भवनाशक।